हेलो चिल्ड्रंस, मैं आज फिर से वैल्यू एजुकेशन का स्टडी करने जा रही हूँ। क्लास वन का मैंने पार्ट वन में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का एक छोटी सी स्टोरी के बारे में समझाई थी कि हमें पानी का ख्याल कैसे रखना है। इस स्टोरी में एक ढोलकपुर गांव है जिसमें एक सोनू नाम का लड़का है जो बहुत ही अपने गांव वाले से बहुत दुखी रहता है, क्योंकि वो गांव वाले हैं जो बहुत ही पानी वेस्ट करते हैं और वो बहुत ही सबको समझाता है, फिर भी गांव वाले तो कहते हैं कि इस धरती पे बहुत सारा पानी है, पानी की कमी नहीं है, तो हम लोग पानी का केयर नहीं करेंगे। तो सोनू और उसका दोस्त जो है गाँव के मुखिया के पास जाता है और कहता है कि गांव वाले लोग पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और हमारी बातों को इग्नोर करते हैं उनको समझाने पर, इसलिए उनको समझाने के लिए हमें पानी के बारे में, उनके महत्व के बारे में गांव वालों को समझाना चाहते हैं। तो गांव के मुखिया पूछता है कि कैसे उनको हम समझा सकते हैं, तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, आइए। दे सेट, वे लोग कहते हैं, कैन वी स्टॉप द विलेज वाटर सप्लाई फॉर अ डे। ठीक है, वंस अगेन, दे सेट, कैन वी स्टॉप द विलेज वाटर सप्लाई फॉर अ डे। वे लोग कहते हैं कि हम लोग गांव का जो पानी का सप्लाई है हम लोगों को एक दिन के लिए बंद करना रोकना होगा। This will help the villagers understand the importance of water. जब उन गांव वाले को हेल्प की ज़रूरत होगी तब वो पानी का महत्व को समझेंगे, क्योंकि उनको हमेशा पानी अथाह मिल रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, जब भी कहो तब पानी मिल जाता है। तो इसलिए गांव की सप्लाई को, जो भी सप्लाई होता है पानी जहाँ से भी आता है वहाँ की सप्लाई को ही बंद कर दे और पूरे गांव में पानी को आने से रोक दे, सभी के नलों में सब पानी आना बंद कर दे। तब जब इनको पानी का जब ज़रूरत महसूस होगा, कहीं से पानी एक बूंद भी नहीं मिलेगी, तब वह पानी का महत्व को समझेंगे। द विलेज हेड एग्रीड, गाँव का जो मुखिया था स्वीकार कर लिया उसकी बातों को। द नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन ऑल द टैप्स ऑफ विलेज वेंट ड्राई। दूसरे ही गांव के जितने भी नल थे सब में पानी आना बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा था, सूख गया। द विलेजर्स थॉट ऑफ गोइंग टू द रिवर टू गेट सम वाटर। तब गांव वाले ने सोचा कि हम लोग नदी जाकर पानी ला सकते हैं। हम लोग गांव वाले जो थे, नल में आना पानी आना बंद हो गया, अब उनको पानी कहाँ से लाना है, तो वो सोचे कि नदी जाकर हम लोग कुछ पानी ला सकते हैं। बट लेकिन द नियरेस्ट रिवर, जो नज़दीक का जो नदी था, वाज अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ढोलकपुर। जो पास का जो नदी था वह ढोलकपुर से 10 किलोमीटर दूर था। 10 किलोमीटर का आप मतलब समझते हैं, यहाँ से आप समझ जाओ आरागाही, या उससे भी आगे चले जाइए आप, इतना दूर है आपका। तो उसका जो नदी था, गांव से जो नदी था, वो 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अब नदी से पानी लाने के लिए आदमी पैदल ही जाएगा ना। They thought, फिर उन लोगों ने सोचा, of bringing water from the nearby village. उन लोगों ने सोचा कि गांव के नदी तो बहुत दूर है, अब 10 किलोमीटर कौन पानी इतना लाने जाएगा। फिर उन लोगों ने सोचा कि जो गांव, जो हमारे पास का जो गांव है, दूसरा गांव है, उस गांव से हम लोग कुछ पानी जाकर मांग कर ले आते हैं। इनके गांव के बगल में ही एक और गांव था जो पास में था,
तो इन गांव वाले ने सोचा कि दूसरे गांव वालों से जाकर हम थोड़ा सा पानी मांगकर ला सकते हैं। बट द पीपल इन नियर बी विलेज वेयर द रेडी टू हेल्प नॉट रेडी टू हेल्प देम, ठीक है। तो लेकिन जब वो लोग पानी मांगने गए दूसरे गांव वालों से, तो दूसरे गांव वालों ने उन लोगों को हेल्प करने से मना कर दिया, उनको हेल्प करने से मना कर दिया कि हम लोग आपको पानी नहीं देंगे। दे न्यू दैट द विलेजर्स ऑफ ढोलकपुर ऑलवेज वेस्टेड वाटर। उन लोगों ने जान गांव वाले जो थे, ढोलकपुर के जो गांव वाले थे, वो लोग जानते थे, जो दूसरे गांव के लोग थे वे लोग ढोलकपुर के गांव वालों के बारे में जानते थे कि ये लोग पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं, इसलिए इनको हेल्प नहीं करना चाहिए। इनको पानी अगर हम देने लगेंगे तो ये हमारा पानी भी बर्बाद करने लगे, इसलिए वो लोगों ने इनको ढोलकपुर के गांव वालों को पानी देने से मना कर दिया। द विलेजर्स बिकेम वेरी सैड। तो ढोलकपुर के जो गांव वाले थे वो वापस निराश होकर आ गए और बहुत दुखी थे, क्योंकि नदी तो बहुत दूर थी और साथ में दूसरे गांव वाले पड़ोसी गांव वालों ने भी उनको पानी देने से मना कर दिया। दे सैड, उन लोगों ने कहा, हैड वी नॉट वॉस्टेड वाटर एंड यूज्ड इट प्रॉपरली टुडे वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आवर सेल्फ, वी शुड हैव लिसन टू सोनू। फिर उन लोगों ने आपस में बातें की कि हम लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए था, हमको बस जितना ज़रूरत था इतना ही यूज़ करना चाहिए था। टुडे वी वुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर, आज के दिन हमें अपने आप को साफ पानी के लिए हमें अपना पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए था, हम लोगों को सोनू के बातों को समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था और उनके बातों को हमें मानना चाहिए था, इसलिए हम लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए था। गांव वालों को ये समझ में आ गई, उन लोगों को लगा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद किया, इसलिए पानी नल में सूख गया है और पानी आना बंद हो गया है। दे वेंट टू द विलेज हेड टू आस्क फॉर हिज हेल्प। फिर वे लोग अब क्या करें, वे लोग गांव के मुखिया के पास गए और मदद मांगी। द विलेज हेड सॉ दैट द विलेजर्स हैड रियलाइज्ड देन मिस्टेक एंड हैड लर्न देयर लेसन। गांव का जो मुखिया ने उन सॉ देखा और गांव वालों को देखा और उनके उनको महसूस उनको गलती का एहसास हुआ, गांव वालों को गलती का एहसास हुआ, उनको अपनी गलती महसूस की और वो लोग सीख गए कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही रीस्टार्टेड द वाटर सप्लाई। फिर गांव वाले, जब गांव का मुखिया था, गांव वालों को जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से वाटर सप्लाई शुरू कर दिया। द विलेजर्स ऑफ ढोलकपुर नेवर वेस्टेड वाटर अगेन स्टार्ट सेविंग। तो गांव ढोलकपुर गांव में फिर से गांव वालों ने पानी शुरू हो गया और उन लोगों ने कभी भी आगे से पानी बर्बाद नहीं किया और पानी बचाना सीख गए। तो इस तरह से ढोलकपुर वाले ने अपनी गलती का एहसास करके फिर से अपनी गलती को सुधारा और पानी वेस्ट करने से बचाया। तो डू नॉट वेस्ट थिंग्स, यूज देम वाइजली। डू नॉट वेस्ट थिंग, कोई भी चीज़ हो हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उसे हमेशा अच्छे से यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करना चाहिए और अपने सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, हिफाजत रखना चाहिए। ये स्टोरी को आप सुने, अच्छे से रीड करें और हार्ड वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखें और इसके आगे का क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे।